बुलाना चाहूंगी रत्ना देवी एवं शंकरी देवी को। रत्नो देवी जी मंच पर। बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है, इस विकास की यात्रा में आप गरीब से गरीब आदमी को भी इंसान का दर्जा दें, उसे सम्मान दें, उसके अधिकार को उस तक पहुंचाएं, मैं समझता हूं इससे बड़ा काम संसार में, इससे पवित्र काम कुछ नहीं होता है और इससे बड़ी कोई कमाई भी नहीं होती है। मैं हाथ जोड़ करके आप सभी से आग्रह कर रहा हूं कि आप सबका सहयोग मुझे चाहिए, आपकी का साथ मुझे चाहिए और मैं आपको भरोसा देना चाहता हूं कि पूरी सामर्थ्य, पूरी क्षमता और पूरी ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से यहाँ के लोगों के भविष्य को बदलने के लिए हम कोई भी कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। तुझे पाक खुद को मैं पाऊंगा कि तुझी में खोया हुआ हूँ मैं, ये तेरी तलाश है इसलिए कि मुझे है अपनी ही जुस्तजू। एक छोटी सी कहानी सुनाकर अपनी बात कर ख़त्म करूँगा। एक बच्चे ने अपने घर के सामने के तालाब में चांद के प्रतिबिंब को देखा, बड़ा खुश हुआ कि चंदा मामा हमारे तालाब में दिखाई पड़ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद वो अपने दोस्त गुड्डू के घर गया, वहाँ तालाब में वहाँ भी चांद दिखाई पड़ रहा था। बड़ा परेशान हुआ कि ये कैसा चांद है, मेरे तालाब में भी, गुड्डू के तालाब में भी। बच्चा था, आकर के अपनी माता जी से कहा कि माँ मेरे तालाब का चांद गुड्डू के तालाब में क्यों दिख रहा। माँ समझदार थी, बच्चे को समझाया, बेटा जैसे तुम भगवान के पूरे प्रतिबिंब हो उसी तरह चांद भी अस्तित्व का प्रतिबिंब है। चाहे झील में देखो, चाहे नदी में देखो, चाहे सागर में देखो, पूरे चांद का प्रतिबिंब तालाब में देखो वो दिखाई पड़ेगा, वह टुकड़ों टुकड़ों में नहीं दिखाई देता है। आधा चांद तुम्हारे तालाब में आ गया और आधा गुड्डू के तालाब में। दोस्तों, जब भी किसी गांव में जाता हूं यह कहानी सोचने को मजबूर करती है। विकास और समृद्धि नाम का यह चांद हर गांव में पूरा क्यों नहीं प्रतिबिंबित होता है, क्यों यह टुकड़ों में दिखाई पड़ता है। और जब बैक टू विलेज या जन अभियान की योजना हम सब बना रहे थे तो ये बात दिमाग में थी और इसलिए कोशिश की जा रही है विकास के पूरे चांद का एक जैसा प्रतिबिंब गाँव में भी दिखाई पड़े, गाँव के लोग भी उसको देख सकें।